और एक सुंदर कार्यक्रम भी हम कर सकते हैं जिसमें आप सबका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जीवन संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों और बोर्डी ने गुजर डायरेक्टरी की कुछ कीमत रखी है। संस्था के सभी सदस्यों की सहमति से गुजर डायरेक्टरी की कीमत मात्र 100 रुपये रखी गई है, जिससे कि गुजर डायरेक्टरी का प्रकाशन आसानी से हो सके। ये सिर्फ आप सबके सहयोग से ही हो सकता है, जिसमें आप सबका सहयोग प्रार्थनीय है। आपकी संस्था सभी सम्मानित व्यक्तियों के सहयोग से ही चलती है। मैं आप सबके लिए कहता हूँ कि 2018 की डायरेक्टरी आप सभी लेके जाए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विवेक जिसे आग्रह करूंगा कि एक मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन गुजर जो हमारा इतिहास है उसके ऊपर सभी लोग इसे देखें, बहुत ही सुंदर इन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया। राइजिंग स्टार जो है आप सब तक पहुंचाएं। आज इनको ऑनर किया गया है, एक गुर्जर संस्था है जो ग्रुप जहां सचिन जी को ये सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भाई साहब महेंद्रम जी का, ऑनर किया है उनके नेतृत्व में बहुत चीजें उस दिन हमने बैठ के सीखी और मैंने उनसे एक चीज बोली कि आपके नेतृत्व में बहुत चीजें सीखने का अभी मौका मिलेगा, अभी तो नई शुरुआत है, पिछले साल से ही मैं जीवन चीज से जुड़ा हूँ। थैंक यू। जितने भी पूरे ग्रुप में 7 मेंबर में सबसे छोटा मैं ही हूँ, कोई गलती हो तो माफ करना। हमारी मूवी अप्रैल में रिलीज होगी, अपनी तरफ से अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ हमारी फिल्म देखें। आज जो भी मैं बोलने वाला हूँ थोड़ा सा वीर गुजर इतिहास के बारे में बोलने वाला हूँ। बहुत अच्छी फिल्म लेके आने वाले हैं आपके पास। सबसे पहली बात फर्स्ट टाइम पे ये जो चिन्ह है गुजर चिन्ह, कोई मुझे ये बता सकता है ये क्यों है? सर का स्वागत चल रहा है यहाँ पे, किसी को यहाँ बैठे करीबन करीबन 40 से 50 लोग सारे गुजर है, सब अपनी गाड़ी के पीछे लिखवाते हैं, कहीं ना कहीं फैशनेबल एक साइन बनवा लिया है, बट इसका पीछे क्या सिग्निफिकेंस है या किस लिए ये लगाते हैं कोई बता सकता है? अच्छा मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारे 50 ईस्वी से 230 ईस्वी तक सम्राट कनिष्क थे, आप जैसे उनका फोटो देख रहे होंगे ऊपर सेम साइन उनके हेलमेट पे है जो कि उन्होंने बनवाया था शिव जी के त्रिशूल से, और नीचे जो मुड़ा हुआ है आप देखेंगे जो नीचे मुड़ा हुआ है वो नंदी के पैर है। तो ये हमारा गुजर अपनी वीर जाति का चिन्ह है। सबसे पहले गुजर इतिहास को समझने के 3 मुख्य बिंदु हैं, अगर मैं ऐसे ही कुछ भी बोले जाऊंगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि सब बुकेश विकिपीडिया सबसे नॉलेज है बोलेंगे। तो मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं कि 3 महाराजा या सम्राट सबसे मेन हुए हैं हमारे, और 3 साम्राज्य थे स्टार्टिंग में 50 से 230 ईस्वी तक। कुषाण साम्राज्य जिसके सम्राट कनिष्क थे, उसके 200 साल 250 साल बाद 490 से 542 ईस्वी तक हूण साम्राज्य, उसके बाद आता है जो सबने ज्यादातर सुना है गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, सब सुनते आ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य से, कोई करीबन करीबन 10 से 15% एक्सेप्शनल केसेस हैं जिन्होंने पूरा ये पढ़ा होगा। इसमें सबसे जो प्रतापी सम्राट हुए जो सबसे फेमस मैं कह सकता हूँ बिकॉज उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है हमारी गुर्जर जाति को ऊपर लेके आने में, अपना साम्राज्य बढ़ाने में, तो वो सम्राट मिहिर भोज जी हुए, और हर जगह आप सम्राट मिहिर भोज के ही फोटो देखेंगे। 725 से 1036 ईस्वी तक ये साम्राज्य रहा है जिसके ये सारे राजा हैं, जो सबसे पहले प्रतापी राजा हमारे जो थे गुजर प्रतिहार साम्राज्य के, बहुत हो रही है पे इसलिए आवाज नहीं आएगी। उसके बाद 730 से 760 ईस्वी तक ऐसे ही आप देखते जाएंगे तो पूरे 14 हमारे सम्राट रहे हैं 1036 ईस्वी जिसमें छठे नंबर पे मिहिर भोज जी आए। हमारे बीच में श्री नवाब सिंह नागर जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश और पूर्व मंत्री जीवन के चीफ पेट्रन की हैसियत से आज यहाँ पर विराजमान, देरी का कारण बहुत बढ़िया हमारे नोएडा शहर में हमारे पीएम और सीएम का आना, तो निश्चित तौर पर हमारे जो मंत्री जी हैं पूर्व मंत्री जी नवाब सिंह जी नागर उनका देरी से आना स्वाभाविक है।
मैं जो जीवन के तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। मैं जो भी मंत्री जी के स्वागत के लिए स्टेज पर चले जाएं, हमारे लोकप्रिय जनप्रिय प्रतिनिधि श्री नवाब सिंह जी नागर, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, वर्तमान में बहुत ही सक्रिय उसके साथ अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, जीवन उनका वो यहाँ पर आए। अब मैं पुनः दिल्ली जी से आग्रह करूंगा कि अपना जो कार्यक्रम था उसको आगे बढ़ाए। विनीत जी, धन्यवाद भाई साहब जी। अब मैं इसे आगे लेके चलता हूँ गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को। जैसे आपने देखा, इसमें 14 हमारे सम्राट रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा नाम मेहर भोज जी का सुनते हैं। 800 से 885 साल उन्होंने राज किया है। ये राजवंश है जो छोटे छोटे चल रहा है, बस चल रहे तो बोलो मत। चौहान गुजर वंश, गोहिल, भाटी, खटाना गुजर वंश, तो सब जितने भी थे ये गुजर वंश प्रतिहार साम्राज्य वाले। मेनली गुजर इतिहास अगर मैं यहाँ पे पढ़ के बताऊँ तो मुख्यतः उत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है। इस जाति का नाम अफगानिस्तान के राजस्थान में भी आता है, ऐसा सबको पता है। वैसे गुजरों के ऐतिहासिक प्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत और पाकिस्तान के बहुत से स्थान गुजर जाति के नाम पर रखे गए हैं। जैसे कि भारत का गुजरात राज्य है, अपना गुजरात जो है गुजर का गढ़ बोला गया है। पाकिस्तानी पंजाब का गुजरात जिला, गुजरावाला जिला और रावलपिंडी जिला गुजर खान से है। अभिलेखों के हिसाब से गुजर सूर्यवंशी या रघुवंशी रहे हैं। गुजर शब्द का अर्थ जैसा सबको पता है इस बारे में, शत्रु का नाश। ये गुजर साम्राज्य की पूरी कहानी है। 5वीं सदी में भीनवाल गुजर साम्राज्य की राजधानी थी। अब मुगल काल में जो मुख्य गुजर रहे हैं वो लेखनीय नीचे लिखे हुए हैं। भरतपुर जिला के गुजर, पलवल और आगरा के बैसला राजा मोतीराम बैसला जी, दादरी के राव उमराव भाटी जी, जैसे देखा होगा ज्यादातर आपको जो मेहर भोज जी का सिक्का हमने चलाया था उसपे आदि बनाया बने हुए हैं, क्योंकि वो विष्णु जी के उपासक थे। गुजर प्रतिहार नाटक में जैसे हेलो फ्रेंड्स, ये रहे सर, बात करिए, बात करना चाहते हैं सर का। हेलो हेलो हेलो, मैं यहाँ हूँ, आपके दिल में हूँ, अंदर झाँक के देख लो, वहीं मिलूंगा आपके दिलों में। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाय बोलना चाहिए मेरे ख्याल से सभी को। नहीं करेंगे। रघु रघु कहाँ गया, लेट सचिन भाई, अपनी फिल्म के मैन लीड हीरो, सब लोग देख रहे हैं इस टाइम में, कमेंट वाइज चल रही है। चलिए फ्रेंड्स, बाय।